दूरदर्शन टीवी चैनल पर आने वाला रामायण तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है उस समय रामायण में किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कौन अभी जीवित है और कौन नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में रामायण के 11 कलाकारों की मृत्यु हो चुकी है। वह 11 कलाकार कौन है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा अधूरा देखकर श्री राम को नाराज न करें। नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद आरपीडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर रामायण में रावण का किरदार निभाया था। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता होगा। इन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग की थी कि यहाँ धारावाहिक में 4 चांद लगा दिए थे। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद त्रिवेदी का 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। पत्नी का नाम नीलिनी अरविंद त्रिवेदी है। जय श्री राम। दारा सिंह रंधावा ने दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रतनगढ़ गुरदासपुर जिला पंजाब में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दारा सिंह की मृत्यु 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हो चुकी है। दारा सिंह ने 2 बार विवाह किया था। इनकी पहली पत्नी बचनो कौर की मृत्यु 1952 में हुई। उसके बाद 1961 में दूसरा विवाह सुरजीत कौर के साथ किया। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। मूलराज रजदा ने रामायण में माता सीता के पिता जनक जी का किरदार निभाया था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हसाई न कराता। मूलराज रजदा का जन्म 13 नवंबर 1931 में हुआ था। मूलराज रजदा की मृत्यु 23 सितंबर 2012 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय शिया राम। संजय जोग जी ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। कहती है, मेरी सीता से अच्छी रसोई कोई बना ही नहीं सकता, फिर उस रस से हमें क्यों वंचित रखा जाता है। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संजय जोग जी की मृत्यु 27 नवंबर 1995 को हो चुकी है। कमेंट में बोलो जय सिया राम। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। विजय अरोड़ा ने रामायण में लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था। आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया। विजय अरोड़ा का जन्म भारत देश के पंजाब राज्य के अमृतसर में 27 दिसंबर 1946 को हुआ था और इनकी मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में 2 फरवरी 2007 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। विजय अरोड़ा की पत्नी का नाम दिलबर दे बारा है। राजा दशरथ का किरदार बालधुरी ने निभाया था। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। बालधुरी का जन्म 1944 में हुआ था। इनकी मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में 2020 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। जिन्होंने माता कौशल्या का भूमिका निभाया था वही इनकी रियल लाइफ पत्नी भी है। श्री राम की माता कौशल्या का किरदार जयश्री गडकर जी ने निभाई थी। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। जयश्री गडकर का जन्म 21 फरवरी 1942 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हो गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। जिन्होंने राजा दशरथ का किरदार निभाया था वही इनके रियल लाइफ में भी पति है। त्रिजटा दोस्तों, त्रिजटा को तो आप जानते ही होंगे। ये वही त्रिजटा है जिन्होंने लंका में माता सीता के रखवाली में थी। रामायण में विभूति दवे जी ने त्रिजटा का निभाई थी। देखो सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम
और बल पर विश्वास नहीं है। विभूति दवे का निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। विभूति दवे ने परेश चंद्र दवे से शादी की थी। विभीषण का किरदार मुकेश रावल जी ने निभाया था। मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए। इनका जन्म वर्ष 1951 है। मुकेश रावल की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2016 को हो गया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। इनकी पत्नी का नाम सरला रावल है। मंथरा की भूमिका ललिता पवार जी ने निभाई थी। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनकी मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 24 फरवरी 1998 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। इनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता है। कुंभकर्ण की भूमिका नलिन दवे जी ने निभाया था। अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? इनका जन्म सन 1940 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनका मृत्यु मात्र 50 वर्ष की उम्र में 1990 में हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय शिया राम। अरुण गोविल जी ने रामायण के मुखिया पात्र श्री राम जी का किरदार निभाया था। अरुण गोविल को आजकल नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन राम के नाम से हर कोई जानता है, क्योंकि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई संपूर्ण रामायण में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार इतना जबरदस्त तरीके से निभाया है कि उसे कोई भूल नहीं सकता। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। अरुण गोविल का जन्म सन 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। इनके बेटे का नाम अमल गोविल, बेटी का नाम सोनिका गोविल है। वर्तमान में इनका उम्र 65 साल है। इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में 21 मार्च 2021 को ज्वाइन किया है। दीपिका चिखलिया जी ने माता सीता की किरदार निभाया था। ये तुम क्या कह रही हो त्रिचटा? तीनों लोक में वही तो एक है। दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ। वर्तमान में इनका उम्र 58 वर्ष है। इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी संबंध रखती है। इन्होंने 1991 में बीजेपी पार्टी से बड़होदरा गुजरात में सांसद रह चुकी है। करोड़ों दिलों में दीपिका चिखलिया की छवि अब भी सीता के रूप में बनी हुई है। सुनील लहरी जी ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ, तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। अच्छा जी, तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे दो ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को भारत के मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। वर्तमान में सुनील लहरी का उम्र 62 वर्ष है। इनकी किसी कारणवश दो शादियां हुई है, जिनका नाम राधा सेन और भारतीय पाठक है। वर्तमान में सुनील लाहिरी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। समीर राजदा ने शत्रुघ्न का किरदार निभाया था। केवल भाभी का नहीं, मैं तो भैया का भी लाडला हूँ। समीर राजदा जी का जन्म 20 अप्रैल 1963 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 60 साल है। बशीर खान जी ने रामायण में अंगद का भूमिका निभाया था। महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है। माता कैकई का किरदार पद्मा खन्ना जी ने निभाया था। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का। वर्तमान में इनका उम्र 74 वर्ष है। उर्मिला का किरदार अंजलि व्यास जी ने निभाई थी। सूर्पणखा का किरदार रेणु धारीवाल जी ने निभाई थी। शबरी का किरदार सरिता देवी जी ने निभाई थी। परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करती थी, उसमें अभी तक। रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण जी ने निभाई थी। दिखाई नहीं देता,
तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं। सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर कलानी जी ने निभाया था। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। अब लास्ट में रामायण के उस किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राम भक्त हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने जामवंत का किरदार निभाया था। हमें वो नाता बताइए जिससे हम बानर और ऋक्षयोनि के समस्त प्राणी। हाँ, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां कस्बे के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद आरपीडी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले, जय श्री राम। रामायण के बारे में कुछ और बातें भी सुन लो। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। सीरियल में अभिनेता अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था और वे अब तक भगवान राम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शो के प्रसारण के 34 साल बाद भी गोविल को आज भी टीवी के राम के रूप में ही पहचाना जाता है। हालांकि वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना तो बिजनेसमैन बनने का था और इसी सपने के साथ वे मुंबई पहुंचे थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अरुण ने बताया था कि राम का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें असल में भगवान राम मानने लगे थे। वे जहां जाते थे लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते और उनके पैर छूने लगते थे। टीवी पर रामायण सीरियल देखते समय लोग अगरबत्ती तक जलाने लगे थे। इतना ही उन्हें फिल्मों में भी इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे थे जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। रामनगर में जन्मे थे टीवी के राम अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब वे मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने कुछ नाटकों में काम किया था। टीनेज लाइफ उनकी सहारनपुर में बीती। अरुण के पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन खुद अरुण ऐसा कुछ करना चाहते थे जो हमेशा के लिए उनको यादगार बन जाए। इसी वजह से वे बिजनेस करने का सपना लेकर मुंबई आ गए और बाद एक्टिंग का रास्ता चुन लिया। ये जानकारी अच्छी लगी तो बायोग्राफी विथ आरपीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। जय श्री राम दोस्तों।